आज मैं बनाने जा रही हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल शाही पनीर। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बता रही हूँ, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलिए दोस्तों, अब मैं बनाना शुरू कर रही हूँ। मैंने 200 ग्राम पनीर लिया है, एक प्याज ली हूँ और दो टमाटर ली हूँ। पनीर को क्यूब शेप में काट लिया है, प्याज को काट लिया है, टमाटर को काट लिया है। एक चम्मच वेजिटेबल ऑयल डाल रही हूँ। मैं बटर डाल रही हूँ 2 चम्मच। अब मैं इसमें शाही जीरा डाल रही हूँ। गोटा गरम मसालों में मैंने दालचीनी, एक बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची और 2 मैंने लौंग लिया है, मैं डाल रही हूँ। लाल मिर्च मैं ली हूँ। अब मैं इसमें प्याज कटा हुआ डाल रही हूँ। कटा हुआ टमाटर डाल रही हूँ। अदरक का 1/2 इंच का टुकड़ा है, मैंने इसे छोटे छोटे टुकड़े में काट लिया है। लहसुन का मैंने ये 4 कली ली है, ये मैं डाल रही हूँ। मैं काजू डाल रही हूँ। मैं नमक डाल रही हूँ। अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। अब मैं इसे सॉफ्ट होने तक पकाऊंगी। ये देखिए टमाटर और प्याज सॉफ्ट हो गया। अब मैं इसको ठंडा करने के लिए साइड में रख रही हूँ। ये देखिए ठंडा हो चुका है। इसमें जो खड़े मसाले मैंने जो डाले हैं, इसका फ्लेवर तो इसमें आ ही गया है मसाले में, इसके लिए मैं निकाल दे रही हूँ। मैं इसे ग्राइंडर में डालकर इसका पेस्ट बनाऊंगी। ये देखिए पेस्ट बनकर तैयार है। देखिए कितना स्मूथ पेस्ट हो गया है, फाइन पेस्ट। 1 चम्मच वेजिटेबल ऑयल डाल रही हूँ। अब मैं इसमें बटर डाल रही हूँ। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। इसमें मैं थोड़ा सा हल्दी डाल रही हूँ, कलर अच्छा होगा। इसी में मैं पनीर को थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी मसाले के साथ। टमाटर प्याज ये सारे मसाले का मैं पेस्ट डाल रही हूँ। इसके साथ पकाना है 5 से 10 मिनट। थोड़ा नमक डाल रही हूँ। अब मैं इसमें हल्का चीनी डाल रही हूँ। अब मैं इसमें फ्रेश क्रीम डाल रही हूँ।
उतारने से पहले मैं कस्तूरी मेथी डाल रही हूँ। ये देखिए बनकर तैयार है रेस्टोरेंट स्टाइल शाही पनीर। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक जरूर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नीचे जो लाल सब्सक्राइब बटन है उसे दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे आपको लेटेस्ट रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल जाए।